मंगल सूत्र प्रकरण 3 सुधार से पहले जुड़ाव। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा में समझाने पर ही उसे समझ में आता है, ऐसे ही आज के आधुनिक युग को विज्ञान की भाषा अधिक समझ में आती है। परंतु जो व्यक्ति शब्दों के आग्रह में अटक जाते हैं, वे मंगल की यात्रा पर चलते तो है परंतु मंगल तक पहुंच नहीं पाते हैं। अहंकार एवं आग्रह छूट जाने पर दिवाली में अली और मोहरम में राम दिखाई देते हैं। शब्दों में भाव नहीं होते हैं, आत्मा में भाव होते हैं। याद रखो, प्रेम की भाषा मनुष्य ही नहीं पशु भी समझते हैं। जिसने प्रेम की भाषा समझ ली उसने सब भाषा समझ ली। जाति और वेश का आग्रह छोड़ने पर आज के युग में अनेक युवाओं को चैतन्य तत्व से परिचित कराया जा सकता है। कुछ लोग चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सद्गुरु देव और कृपालु देव के विरोधी बढ़ रहे हैं, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हे भव्य, बस पर्याय दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। पर्याय दृष्टि के कारण हमें विरोध दिखाई देता है। द्रव्य दृष्टि प्रकट होते ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा दिखाई देता है और विरोध कहीं भी नहीं दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है कि यह व्यक्ति बहुत बुरा है, तब वह व्यक्ति किसी अन्य के बारे में नहीं बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति को ही व्यक्त कर रहा है कि मैं कितना पर्याय दृष्टि वाला हूं। ज्ञानी तो अज्ञानी को भी भगवान आत्मा के रूप में देखते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति की असली सजा यह नहीं है कि दुनिया उस झूठे पर विश्वास नहीं करती है, बल्कि उसे असली सजा तो यह मिलती है कि वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। हम जगत में जगत को नहीं देखते बल्कि जगत में हमारी मान्यता को ही देखते हैं। यह देखते हैं कि मैं कैसा हूं। कहा भी है, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। इस भूमिका में चैतन्य की चर्चा सुनकर साधर्मी जीवों के प्रति वात्सल्य भाव न जगे तो समझना चाहिए कि चैतन्य तत्व की चर्चा सुनकर भी तत्व को यथार्थ ग्रहण नहीं किया। ज्ञानी को भी साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव तो होता है, परंतु वात्सल्य भाव में उपादेय बुद्धि नहीं होती।
तथा कथित लोग तो एकांत से शास्त्र पढ़कर ऐसा चेहरा लेकर बैठ जाते हैं कि जैसे अभीक्षपक श्रेणी लगाकर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाने वाले हो। हे चैतन्य परमात्मा, याद रहे दृष्टि तो निजात्म तत्व पर ही हो, परंतु हम जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुरूप हमारा वर्तन हो। हमें आज याद भी नहीं है कि पूर्व भवों में एकेंद्रीय आदि जातियों में अनंत जन्म मरण करने के बाद महापुण्योदय से वितरागी भगवान प्ररूपित धर्म पाया है। विशाल दृष्टि प्रदान करने वाले इस महान धर्म को तथाकथित लोगों ने ही अपनी सीमा में बांधकर रखने का प्रयास किया है। यह महान धर्म सचमुच ही जन जन का धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है, जीव मात्र का धर्म है। नर से नारायण ही नहीं, पशु से परमेश्वर ही नहीं, यह धर्म तो जीव से शिव होने का धर्म है। चैतन्य चर्चा सुनकर यह भाव आना स्वाभाविक है कि जगत के सभी जीवों को यह बात सुनने और समझने को मिले। बस इतनी जागृति बनी रहे कि मैं भगवान आत्मा इन भावों में कहीं भी नहीं हूं। सद्गुरु का कार्य दर्पण जैसा होता है, जैसे दर्पण में देखकर व्यक्ति अपने कपड़े अपने आप ठीक कर लेता है, ऐसे ही सत्संग का योग पाकर पात्र जीव अपने दोषों का निरीक्षण करके स्वभाव का आश्रय लेकर अपने दोषों को दूर कर देता है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती सुधारने का बोझ अपने पर लेने की बजाय हम स्वयं को सुधार ले, यही बहुत है। यदि केवल ज्ञान पर्वत का शिखर है तो हम अभी पर्वत की तलेटी पर खड़े हैं। केवल ज्ञान में छह द्रव्यों के समूह सारे विश्व का कोलाहल ज्ञान में जानने में आता है। अभी इतना तो अभ्यास करें कि छह दर्शन के भेद रूप कोलाहल को सहज भाव से जाने। किसी भी व्यक्ति को झूठा कहकर उससे जुड़ने के सेतु को ही मत तोड़ दो। सुधार से पहले जुड़ाव अनिवार्य है। सभी आत्मा में परमात्मा दृष्टि रखें।